वेलकम टू ज्योतिष समाधान केंद्र। अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अभी ज्योतिष समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अधिक जानकारी के लिए आपकी कुंडली ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद। प्रिय जिज्ञासु, आज मैं आपके समक्ष सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशि भविष्य वर्णन करने जा रहा हूँ। दिनांक 4 से 10 अप्रैल के मध्य आने वाला सप्ताह गोचर ग्रहों के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्रमशः वर्णन करने जा रहा हूँ। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य जो है गोचर भ्रमण जो इस समय कर रहे हैं, प्रत्येक एक माह में एक राशि पर चलते हैं और वर्तमान में जो चल रहे हैं 15 तारीख के लगभग 14-15 के बीच में राशि परिवर्तन करते रहते हैं सूर्य। इसलिए एक महीने जब एक राशि पे चलते हैं तो 14-15 तारीख के लगभग ये गोचर में राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस समय वर्तमान में जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं इस सप्ताह में मीन राशि पर चलते रहेंगे। अब आपकी सिंह राशि से मीन राशि आठवीं राशि है, इसलिए अष्टम भाव पर सूर्य चल रहे हैं। अष्टम स्थान पर सूर्य होने से आपको अष्टम मृत्यु का भाव होता है, कष्ट का भाव होता है, गुप्त ज्ञान का भाव होता है, गुप्त विद्या का, गुप्त धन का भाव होता है। तो यहाँ पर सूर्य देव क्या कर रहे हैं, अष्टमी मरण ध्रुवम यानी एक्सीडेंट करा सकते हैं, कुछ परेशानी कर सकते हैं, हड्डी में चोट चपेट लग जाए ऐसा भी करा सकते हैं। इस प्रकार पूरे सप्ताह में थोड़ा सतर्कता वापरना चाहिए। गवर्नमेंट से संबंधित अगर कोई उलझने पड़ी हैं तो और ज़्यादा उलझने आ सकती हैं, उसको सुलझाने का प्रयास करें। इस प्रकार से सूर्य और आपका ज्वर हो सकता है यानी आपका जो पित्त है वो बढ़ सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है। इस समय आठवें सूर्य चल रहे हैं इसलिए उससे सावधान रहना है। शुक्रदेव मीन राशि पर वो भी चल रहे हैं, वो उच्च राशि के हैं। उच्च राशि के शुक्र बहुत ही अच्छा काम, वो भी आठवें हैं, लेकिन अष्टम शुक्र भी ठीक नहीं होते क्योंकि ये डायबिटीज बढ़ा सकते हैं। आपको डायबिटीज़ के अतिरिक्त आपको शुगर संबंधी और भी अन्य शिकायत पैदा कर सकते हैं। बुध देव क्या कर रहे हैं, बुध इस सप्ताह में बुध आपके 1 तारीख से आ चुके हैं मीन राशि पर, वो भी आ गए हैं। तो मीन राशि पर वो भी आठवें हो गए हैं, इसलिए बुध देव भी आपको कष्टकारक बन सकते हैं। एक तो नीच राशि के हैं मीन राशि पर आकर के, और दूसरा नीच होने के साथ साथ उनके अंदर अष्टम भाव पर जा रहे हैं इसलिए वो भी कष्टदायक हैं। तो बुध के द्वारा क्या कष्ट होता है, बात पित्त कप इनका बिगड़ जाना, इसमें ज्वर हो सकता है, अथवा जो है चमड़ी से संबंधित कोई परेशानी होना ये भी हो सकता है, बौद्धिक कार्यों में कुछ उलझने पैदा हो जाना वो भी हो सकता है, व्यापार में हानि होना, व्यवहार में जो है तो परेशानी होना, मनमुटाव होना, मन में ग्लानि होना, ये सारी चीज़ें बुध कराने वाले हैं। तो इस सप्ताह आपका जो गोचर ग्रह है वो सूर्य शुक्र, यहाँ पर शुक्र के कारण तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपका जो शुक्र है वो भी आठवां वो भी ठीक नहीं है, तो शुक्र भी ठीक नहीं है, बुध भी ठीक नहीं है, सूर्य भी ठीक नहीं है, ये तीनों ग्रह आपको हानिकारक हैं इस सप्ताह में। तो उसके बाद मंगल और राहु ये दो बचे। मंगल और राहु क्या कहते हैं कि ब्रह्म मिथुन करक और सिंह ये दसवां स्थान पर चल रहे हैं मंगल और राहु, वह ये दोनों ही ग्रह अच्छे हैं। खास करके मंगल सर्वोत्तम फल देने वाला है क्योंकि मंगल क्या उत्तम फल देगा, मंगल जो है तो भूमि संबंधी कार्यों में सफलता देगा। जो भूमि के कार्य जमीन के कार्यों में माइनिंग के कार्यों में लगे व्यक्ति हैं उनके लिए भारी लाभ की स्थिति बनेगी। जमीन का, मकान का, प्लाट का क्रय विक्रय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
लेकिन कर्म क्षेत्र में राहु भी चल रहा है। राहु थोड़े से जहाँ बैठता है वहाँ मुश्किल ही पैदा करता है, चिंता कारक होता है, तो पिता के लिए थोड़ा चिंता कारक बनेगा। इस प्रकार का आपको ये ध्यान रखना है। तो सूर्य का हो गया, बुध का हो गया, शुक्र का हो गया, मंगल का और राहु का। अब रहा गुरु का, गुरु स्थिति कहाँ है? गुरु की स्थिति इस समय 6 तारीख से आपकी राशि सिंह से, और वो जाने वाले हैं कहाँ? कुंभ राशि पर जाएंगे। सप्तम अभी छठवें चल रहे थे सिंह राशि वालों के लिए, और अब सप्तमें राज सम्मानम, आपको बहुत ही अच्छे गुरु आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा पत्नी का स्वास्थ्य स्वभाव बिगाड़ सकते हैं, किंतु आपका स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और स्वास्थ्य के लिए अच्छा, बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन दोनों से लाभदायक सिद्ध होंगे, अनेक स्रोतों से लाभ देंगे, आय की गति बढ़ेगी, लाभ अच्छा होगा, लाभ में कोई कमी नहीं रहेगी। दिन दूने रात चौगुना लाभ प्राप्त करने का सुयोग आपका बनने जा रहा है गुरु के राशि परिवर्तन से। अभी गुरु जो चल रहा है 6 तारीख तक मकर पर है, उसके बाद कुंभ पर चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा फल देने वाले बनेंगे। इस प्रकार से गुरुदेव भी अच्छा। शनिदेव की स्थिति क्या है? शनिदेव इस समय जो चल रहे हैं मकर राशि पर चल रहे हैं, आपकी राशि से छठ में हैं। छठवां शनि बहुत ही अच्छा माना जाता है, रोग और शत्रुओं का विनाश करने वाला है, और साथ साथ में आपके छठवां है तो आपके जैसो खर्च में अपव्यय कराएगा, अनेक प्रकार का बिना विचारे आप खर्च करेंगे, लोहा मशीन से संबंधित खर्च होंगे उसमें बिगड़ सकता है, और साथ साथ में छोटे भाई बहनों के लिए भी थोड़ा सा कष्टदायक हो सकते हैं। इस प्रकार से शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के आपका सारे ग्रहों में केवल 2 ही ग्रह आपके सुधार पर हैं, तो इस सप्ताह आपके जो है थोड़ा समस्याओं से परिपूर्ण पूरा सप्ताह रहेगा। और अब चंद्रदेव की स्थिति बताते हैं। चंद्रदेव आपके धनु राशि पर चल रहे हैं, प्रथम दिन जैसे रविवार को धनु राशि पर चलेंगे, अर्थात 4 तारीख को जब धनु पर चलेंगे तो आपकी राशि से 5वें होंगे, तो प्रथम दिन ही आपका बहुत अच्छा श्रेष्ठ फलदायक रहेगा। पहले दिन ही यानी 4 तारीख को बहुत लाभान्वित होने का समय है, और इसमें आपकी कई समस्याओं की पूर्ति होगी। और 5 और 6 तारीख को यही जैसो चंद्रदेव है वो छठवें हो जाएंगे, व्याधि समायुतः, उसमें कुछ आपके कार्यों में व्यवधान आएगा, समस्याएं आ सकती हैं, उलझनें आ सकती हैं। और सप्तमें राज सम्मानम, और 9 और 10 तारीख को, 8 और 9 को आपको राज सम्मान की प्राप्ति होगी, 7 और 8 को सम्मान की प्राप्ति होगी, जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपका जो है सो जय जयकार होगी और आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 8वें मरण ध्रुवम, 9 और 10 तारीख को बहुत सतर्कता से रहना है, उस समय भी आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के पूरा सप्ताह आपके लिए कुछ समस्याओं से भरा पूरा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से ही आपको कार्य करना है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं मंगल कामना करता हूँ कि आपका सप्ताह बहुत अच्छा बीते, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरि। वेलकम टू ज्योतिष समाधान केंद्र। अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अभी ज्योतिष समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अधिक जानकारी के लिए आपकी कुंडली ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।